डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था विद्युत विभव, जिसमें हमने विद्युत विभव और विभांतर और विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, इन सबको डिस्कस कर लिया था। ये जो टॉपिक था विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये रिलेशन निकाला था वी इक्वल्स टू समाकलन ए इंटू डी आर, लिमिट था इन्फिनिटी से स्मॉल आर। तो अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता होता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से विद्युत विभव निकाल सकते हैं आसानी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो बिंदु आवेश होता था उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता था के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो देखो, अपने को विद्युत क्षेत्र पता है, उस विद्युत क्षेत्र को इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे तो अपना विभव निकल जाएगा। ये अपना तरीका रहेगा विभव निकालने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये एक बिंदु आवेश है स्मॉल क्यू। इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जहां पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को पता है तो ये सब लिख लेंगे हम। माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र पता होता है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई निम्न होता है तो विद्युत क्षेत्र होता था ई इक्वल्स टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अतः बिंदु पी पर विद्युत विभव वी निम्न होगा तो देखो वी होता है समाकलन ई इंटू डी आर और लिमिट था अनंत से स्मॉल आर। क्योंकि देखो ये जो पी बिंदु है ये इस आवेश से आर दूरी पर है तो हम जो लिमिट लगाएंगे वो लगा देंगे अनंत से स्मॉल आर। क्लियर है। अब ई का जो मान है वो यहाँ से रख देंगे, इसको समीकरण एक दे दो। तो समीकरण एक से ई का मान रखने पर, समीकरण एक से ई का मान रखने पर इस समीकरण एक से इसमें e की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो देखो क्या आता है। ये हो जाएगा v इक्वल्स टू समाकलन e की जगह हम पुट कर देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट हो जाएगी अनंत से स्मॉल r। अब देखो यहाँ पर k और q तो नियत हैं इसलिए उसको समाकलन से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा के क्यू समाकलन 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट है अनंत से स्मॉल r। अभी r की घात 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r की घात -2 के क्यू समाकलन आर की घात -2 डी आर, लिमिट हम पुट करेंगे अनंत से स्मॉल आर। अब समाकलन अपने को आता है, देखो ये फॉर्मूला होता है समाकलन का जनरल, x की पावर n का अगर हम समाकलन करते हैं
तो आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, मतलब जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे और वही डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा देखो के क्यू आर की घात माइनस दो है तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आर की घात माइनस दो प्लस वन अपॉन में माइनस दो प्लस वन। लिमिट अब ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे अनंत से स्मॉल आर, क्लियर है। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं के क्यू, देखो आर की घात माइनस दो और एक ये हो जाएगी माइनस एक बटे में माइनस एक लिमिट अनंत से आर। अब इस माइनस वन को बाहर ले आओ तो हो जाएगा माइनस के क्यू आर की घात माइनस एक है तो ये नीचे जाएगी तो प्लस की एक हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर लिमिट अनंत से स्मॉल आर, क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर v इक्वल्स टू के क्यू, देखो अब लिमिट पुट करेंगे एक बार r की जगह ऊपर की लिमिट पुट करेंगे, एक बार r की जगह नीचे की लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन r की जगह अपर लिमिट r माइनस का साइन, r की जगह लोअर लिमिट वन अपॉन इन्फिनिटी। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसमें माइनस और है तो उसको साथ रखना, सभी जगह माइनस लगा देंगे यहाँ पर तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इधर देखो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन अनंत ये होता है जीरो, कैसे होता है देखो अनंत का मतलब होता है वन अपॉन जीरो, तो वन बाई अनंत देखो क्या हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे वन अपॉन अनंत की जगह लिख देंगे वन अपॉन जीरो, तो जीरो ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है जीरो, तो एक बटा अनंत होता है जीरो तो हो जाएगा जीरो, तो ये यहाँ से आ जाएगा अपना फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू बाई आर, जबकि विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। मात्रक की अगर हम बात करें तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्लियर है। तो ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो के है इस के का जो मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है, अगर आवेश के चारों ओर माध्यम वायु है तो के की वैल्यू अलग होगी, उसके चारों तरफ और कोई माध्यम है तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पर हम दो केस पढ़ते हैं, फर्स्ट केस होगा जब माध्यम वायु हो, सेकंड केस होगा जब कोई अन्य माध्यम हो, क्लियर है। तो केस फर्स्ट वायु या निर्वात के लिए तो वायु या निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है ये होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, तो के की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा वी वायु वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q अपॉन में R, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वायु के लिए। माध्यम के लिए K की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर तो V माध्यम आ जाता है अपना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर, तो ये माध्यम के लिए आ जाता है। और चूंकि हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू होता था एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, माध्यम की विद्युतशीलता बटे में वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से अगर आप देखो तो देखो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर,
तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू ये पुट कर दो तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखो वी माध्यम इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात करें, देखो मेन फॉर्मूला तो यही है, इसी से ये दोनों आ जाते हैं। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखो ग्राफ हम बनाएंगे V में और Q में, तो Q जो है ये V के डायरेक्ट समानुपाती है, इसलिए V और Q में तो ग्राफ बनेगा सरल रेखा। और V और R में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो R जो है ये V के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए V और R में जो ग्राफ बनेगा वो होगा अति परवलय। देखो कैसा बनता है ग्राफ, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं वी में और आर में, सॉरी वी और क्यू में। वी और क्यू, तो वी जो है ये क्यू के डायरेक्ट समानुपाती है, इसलिए ग्राफ सरल रेखा बनेगा, वी समानुपाती क्यू है। अब अगर हम ग्राफ की बात करें वी और आर में, तो इधर वी ले लेते हैं, इधर आर ले लेते हैं। देखो जो R है ये V के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो होगा अति परवलय इस टाइप से, E उल्टा है R के, इसलिए ग्राफ अति परवलय बन जाएगा। थैंक यू।